शिक्षक साथियों नमस्कार, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि छात्रवृत्ति पोर्टल 2022-23 में लॉगिन किस प्रकार से करना है और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसका पासवर्ड किस प्रकार से रिसेट करना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेने हैं और यहाँ पर टाइप करना है आपको सीजी स्कॉलरशिप। चलो टाइप कर देते हैं सीजी स्कॉलरशिप gov.in2021 लिखा है, इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आया है छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल, इस पर हमको क्लिक करने होंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा जिसमें यूज़र आईडी मांगा जा रहा है, जिसमें यूज़र आईडी आपका स्कूल कोड ही रहेगा और दूसरे में पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करना है और उसके पश्चात यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए एंटर कर दिया मैं और इसके पश्चात इसमें लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन कर दिया, कर से आपका छात्रवृत्ति पोर्टल है लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको रिसेट कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लॉगआउट कर लेते हैं और लॉगआउट करने के पश्चात यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। इससे पहले आपको एक जानकारी बता दूँ, यहाँ पर एक लोगो दिया गया है, इस लोगो को आप पहचान लीजिए क्योंकि इसका यूज़ अभी होने वाला है। तो चलिए फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और उसके पश्चात यहाँ पर यूज़र आईडी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर यूज़र आईडी आपको यूडाइस कोड है उसी को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए एंटर कर दिया, उसके पश्चात यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आया, आपके संदेश ऐप पर OTP भेज दिया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, ये संदेश ऐप क्या चीज़ है? तो अभी हमने इससे पहले अभी बताया था, इसको जानकारी रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने मोबाइल से संदेश ऐप होता है उसको डाउनलोड करने पड़ेंगे, यह ऐप में आपके यह OTP जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसको मैसेज आया है, उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्ले स्टोर है इस पर जाने होंगे। प्ले स्टोर पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे संदेश ऐप, इसको क्लिक कर देने हैं। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर लोगो जो दिया गया है उस लोगो को देखना है और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंस्टॉल होने देना है, यह लगभग 24 MB का है और यह कंप्लीट होता है उसके पश्चात इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करने होंगे। जा रहा है, यह इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के पश्चात यहाँ पर ओके, यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, इसको परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। चलिए एंटर कर दिया, यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है, ऑटो अलाउ कर देते हैं और यह OTP आ चुका है। यहाँ पर चूज ए बैकअप फाइल दिया गया है, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ इसलिए यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। यहाँ पर भी सिंक्रोनाइज करने के लिए कहा जा रहा है, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए स्टार्ट कन्वर्सेशन दिया गया है, तो इसको क्लिक कर देना है और इसको रहने देना है, आप इसको ओपन रहने दीजिए। चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पुनः चलते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है यूज़र आईडी कोड इसमें डालना है, उसके पश्चात यहाँ पर वैलिडेट दिया गया है, इसको पुनः क्लिक कीजिए आप। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपकी जो मोबाइल पर है आप पुनः यह OTP आएंगे, आपके संदेश ऐप पर OTP भेज दिया गया है, तो इसको ओके कर दीजिए। अब अपना मोबाइल को देखिए, उस ऐप में एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज में OTP दिया गया है। चलिए मैं OTP एंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के पश्चात यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने होंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूँगा यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड किस प्रकार से बनाएंगे तो इसकी जानकारी नीचे में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसको आप नया OTP बनाएंगे। तो चलिए मैं एक OTP बना के देखता हूँ, पहले कैपिटल में लिख लेता हूँ मैं SAHU, उसके पश्चात एक स्पेशल करेक्टर कोई भी हो, जैसे मैं हैश डाल दिया, उसके पश्चात 1 2 3 4 ये एंटर कर दिया और इसको सेम टू सेम हमको नीचे में यहाँ पर एंटर करने होंगे, कैपिटल S बाकी स्मॉल में करूँगा। उसके पश्चात हैज़ है
और 1, 2, 3, 4। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेंथ एक्सीलेंट दिया गया है, उसके पश्चात यहाँ पर रीसेट करना है। याद रखिए ये दोनों जो पासवर्ड है जो पहले लिखे हैं और ये बाद में है पासवर्ड की पुष्टि, ये दोनों सेम होना चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही रीसेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आया, क्या आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, इसमें ओके कर दीजिए। इस तरह से आपका जो पासवर्ड है वह रीसेट हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड मिलान नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो एंटर किए हैं वो यहाँ पर गलत एंटर किए हैं इसलिए नहीं आ रहा है। चलो फिर से एंटर कर देते हैं और यहाँ पर देखता हूँ मैं और रीसेट पर क्लिक करूँगा। ओके किया, इस तरह से देखिए पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुल, यहाँ पर ओके करेंगे और इस तरह से अब पुनः आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपका पासवर्ड बनकर तैयार है और यहाँ पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड अभी जो एंटर किए हैं उसी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए मैं फिलअप कर दिया, नीचे में कैप्चा है, कैप्चा को फिलअप कर दीजिए और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो अपडेट है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।